बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यासिर नवाज खान है। हम लोग एबटाबाद से बिलोंग करते हैं और हमारा जो बिजनेस सेटअप है यहाँ पे गुज़िश्ता 30 साल से है। तो मेरे जो है वो इधर तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं और इधर हम लोग मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस से रिलेटेड हैं और जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, इक्विपमेंट्स, पार्ट्स एंड ऑटो स्पेयर पार्ट्स और कार्स वगैरह के बिजनेस हमारे रिलेटेड से हम लोग काम कर रहे हैं। और पिछले तकरीबन हम लोग 3 दिहाइयों से हम लोग यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप चला रहे हैं। 14 अगस्त हमारे लिए एक तजदीद ऐद का दिन है, जिस दिन हम लोग को ये याद करने की जरूरत है कि ये पाकिस्तान हमें किस तरह बना। लाजवाल कुर्बानियों के बाद, हमारे अबाव अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों के बाद ये वतन अजीज मर्द वजूद में आया। तो वो एक इंग्लिश का मुहावरा भी है, एक्शन स्पीक लाउडली देन वर्ड्स। तो हमारे नौजवान को आज जरूरत है कि वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक, ट्विटर एंड दूसरे इन सोर्सेज पे अपना टाइम जाया करने के बजाय प्रैक्टिकली अपने मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुछ न कुछ करें। और उसके लिए यही है कि मैं अपनी कौम से ये दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा सिर्फ और सिर्फ जुबान से ये नारे मारने और इनसे ज्यादा बेहतर है कि आप लोग प्रैक्टिकली अपने मुल्क के लिए कुछ करें। जैसा कि मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं यहाँ पे यूएई में या दूसरे मुल्कों में जो इधर रह रहे हैं, तो उनको ये सोचने की जरूरत है कि हर बंदा जो है वो अपने मुल्क का फेस है, वो चेहरा है अपने मुल्क का। वो वहां यहाँ पे अगर कोई उल्टा सीधा काम करेगा जो कि उस मुल्क के रूल्स के मुताबिक नहीं होगा, तो वो पूरे मुल्क के लिए बहसे शर्मिंदगी होगा। लिहाजा जिस मुल्क में आप लोग रह रहे हैं उस मुल्क के कानून को फॉलो करें, दिन रात मेहनत करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। और पाकिस्तान के में रहने वाले सब लोगों के लिए मेरी यही पैगाम दूंगा, हमारी सबकी तरफ से पाकिस्तान बहुत बहुत ज्यादा जश्न आजादी मुबारक। और ये दुआ है कि अल्लाह हम अपने अजीज को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करे और अल्लाह पाक पाकिस्तान को ऐसे हुक्मरान अता करे जो इस कौम की तकदीर को बदल सकें सही मायने में।